आज हम एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग तरह के डायपर्स जो आपको हेल्प करेंगे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए कि आप अपने बेबी के लिए कौन सा डायपर यूज करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम कई सारे डायपर्स ऑप्शंस की बात करें, आइए बात करते हैं कि बेबी को डायपर फ्री रखना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में। अगर आप दिन में कई बार थोड़े थोड़े टाइम के लिए बेबी को डायपर फ्री रखते हैं तो इससे बेबी की स्किन को ज़्यादा एयर फ्लो मिलता है, बेबी की स्किन हेल्दी होती है और बेबी की डेलिकेट स्किन को ब्रेक मिलता है गीलेपन से और फ्रिक्शन से। कॉटन डायपर्स को पेरेंट्स यूज़ करते आए हैं जनरेशन्स से। ये सॉफ्ट और ब्रीदेबल डायपर्स बेबी की डेलिकेट स्किन पर काफ़ी जेंटल होते हैं। इनके हाईली एब्जॉर्बेंट होने की वजह से इनमें किसी तरह का लीक नहीं होता और आपका बेबी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। रीयूजेबल कॉटन डायपर्स के साथ आप सिर्फ वेस्ट को ही कम नहीं कर रहे हैं मगर लॉन्ग रन में आप अपने पैसे भी बचाते हैं। क्या आप एनवायरमेंट को लेकर कंसर्न हैं? आपके लिए बायोडिग्रेडेबल डायपर्स फैंटास्टिक ऑप्शन है। ये डायपर्स बने होते हैं सस्टेनेबल मटेरियल से जैसे कि बैम्बू एंड प्लांट बेस्ड फाइबर्स। ये डायपर्स काफ़ी जल्दी डिकम्पोज होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं ट्रेडिशनल डिस्पोजेबल डायपर्स के मुकाबले, जिनसे एनवायरमेंट पर काफ़ी कम इम्पैक्ट पड़ता है। चूजिंग द राइट डायपर। जब बात आती है आपके बेबी के लिए सही डायपर्स चूज करने की, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको कंसिडर करना है डायपर का साइज एंड फिट। डायपर्स बहुत सारे साइजेस में आते हैं आपके बढ़ते हुए बेबी की ज़रूरत के हिसाब से। बेबी के साइज़ का प्रॉपर फिट बहुत ज़रूरी है ताकि किसी तरह का लीकेज ना हो और बेबी कंफर्टेबल रह सके। सेकेंड चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है डायपर्स की एब्जॉर्बेंसी। आपको ऐसा डायपर चूज़ करना चाहिए जो आपकी बेबी की ज़रूरत को ध्यान में रख सके, जिससे किसी भी तरह का लीक और डिस्कम्फर्ट ना हो। हाईली एब्जॉर्बेंसी डायपर्स खासकर रात के टाइम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तीसरी चीज़ आती है बेबी की स्किन सेंसिटिविटी। ऐसे डायपर्स ढूंढिए जो कि हार्श केमिकल फ्री हों, फ्रेग्रेंस फ्री हों, लेटेक्स फ्री हों, जिससे कि बेबी की स्किन को इरिटेशन होने का रिस्क काफ़ी कम हो सके। और चौथी चीज़ है आप अपनी कन्वीनियंट भी कंसीडर कीजिए। डिस्पोजेबल डायपर्स उन पेरेंट्स के लिए अच्छे होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि डायपर्स को यूज़ किया और उसके बाद डिस्पोज कर दिया। वहीं कॉटन डायपर्स जो रीयूजेबल डायपर्स होते हैं उन्हें क्लीन करने में, उनकी हाइजीन को मेंटेन करने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में कॉटन रीयूजेबल डायपर्स काफ़ी कॉस्ट सेविंग होते हैं। हर बेबी यूनिक होता है। इससे पहले कि आप बेबी के लिए बेस्ट डायपर चूज़ कर पाएँ, आपको कुछ ट्रायल एंड एरर्स करने ही पड़ेंगे। चाहे आप कॉटन डायपर्स यूज़ करें, बायोडिग्रेडेबल डायपर्स यूज़ करें या फिर आप ट्रेडिशनल डिस्पोजेबल डायपर्स यूज़ करें, अपनी बेबी का कम्फर्ट एंड वेलबींग को कंसिडर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कॉटन डायपर्स के लिए, बायोडिग्रेडेबल डायपर्स के लिए, ट्रेडिशनल डिस्पोजेबल डायपर्स के लिए, कॉटन अंडरपैंट्स के लिए या फिर लंगोट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको बता रही हूँ अपने दोनों बच्चों के एक्सपीरियंस से। मेरे पहले बेटे को फुली पॉटी ट्रेन होने में पूरे 4 साल लगे क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक उसको डायपर पहनाया। मैं अपने पहले बेबी के लिए मोस्टली यूज़ करती थी कॉटन रीयूजेबल डायपर्स। कॉटन रीयूजेबल डायपर्स को यूज़ करने के लिए हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पहले उन्हें डिटर्जेंट और सादे पानी से धोना पड़ता है, फिर गर्म पानी से धोना पड़ता है, फिर आप मशीन वॉश कर सकते हैं या फिर हैंड वॉश कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसमें एंटीसेप्टिक लिक्विड यूज़ करना चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो उसे तेज़ धूप में सुखाना चाहिए। बच्चे को डायपर पहनाना पेरेंट्स के लिए कन्वीनियंट होता है। एक बार डायपर पहना दो और फिर स्ट्रेस फ्री हो जाओ। मगर
कभी तो आप बेबी को डायपर फ्री रखना शुरू करेंगे, 1 साल में 2 साल में 3 साल में 4 साल में। और जब भी आप बेबी को डायपर फ्री रखना शुरू करेंगे, यकीन मानिए वो उससे ज़्यादा इनकन्वीनियंट होगा अगर आप अपने बेबी को 3 मंथ से 6 मंथ से डायपर फ्री रखना शुरू करें तब से। क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी काफ़ी लेट पॉटी ट्रेन हो रहा था, इसलिए अपने सेकंड बेबी के टाइम पर मैंने अपनी पहले की मिस्टेक्स से सीख ली और मैंने अपने सेकंड बेबी को 3 मंथ्स ऑफ एज से डायपर फ्री रखना शुरू कर दिया। मैंने उसे कॉटन्स की अंडर पैंट या फिर कॉटन्स की लंगोट पहनाना शुरू किया और बेबी को रखना शुरू किया ड्राई शीट्स पर। यकीन मानिए सिर्फ 8 महीने का होते होते मेरी बेबी पॉटी ट्रेन हो गई। पॉटी ट्रेन से मेरा मतलब कि मुझे रेगुलर इंटरवल्स पर बेबी को वॉशरूम ले जाना पड़ता था, और अगर मैंने मिस कर दिया तो ऑब्वियसली बेबी अभी बोल नहीं पाती है, वो अपनी पैंट्स गीली कर लेगी। फर्स्ट चाइल्ड टुक 4 ईयर्स टू गेट फुली पॉटी ट्रेन एंड सेकेंड चाइल्ड ओनली 8 मंथ्स। मेरा सजेशन तो ये है कि आप जितनी जल्दी बेबी को डायपर फ्री रखना शुरू करेंगे उतनी जल्दी बेबी पॉटी ट्रेन होगा, और जितना लेट बेबी को डायपर फ्री रखना शुरू करेंगे उतना लेट बेबी पॉटी ट्रेन होगा। तो अब चॉइस आपकी है। इमानी क्लोज द डोर, क्लोज द डोर प्लीज माय बेबी, प्लीज क्लोज, प्लीज। वन टाइम यू हैव टू पॉटी ट्रेन। वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। इट विल कॉस्ट यू नथिंग एंड इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून।